अल्लाह फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे आज की जो मेरी ये रेसिपी है वो है, है? कैे पे जो हमें इस टाइम जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब सर्दी ज़ुकाम बुखार या गले में खराश होना खांसी होना इस सब पे ये बहुत असरदार है इसके अलावा भी इसके हज़ारों फ़ायदे हैं आप इसको एक बार बनाएँ और जरूर ट्राई करें आ, ये जब आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम रहता है तो ता उस टाइम में आप अगर इसको लेंगे तो आपको ये बहुत जल्द रिकवर करने में आपको फ़ायदा कर, रिकवर करने में आपकी मदद करेगा ये कहवा जो है ये अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम खांसी या गले में खराश है तो वो ये कहवा ले ले बना के कहवा ले ले ये तो लेने के बाद कम से कम तीन कावा लेने के बाद कम से कम थोड़ी देर वो एक घंटा आधा घंटा अपने आप को कवर करके क्विल्ट में या फिर ब्लैंकेट में तो अच्छे से पसीना ले लें तो उसको बहुत इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तो अगर फिर जब आपको पसीना आ जाए तो उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको हवा नहीं लगे आपको बड़े आराम से अपने आप को फिर उसके बाद निकालना है क्विल्ट से या ब्लैंकेट से और उसके अलावा इसके ये बहुत सारे फ़ायदे हैं ये आपको जिसका पेट साफ़ नहीं होता अगर आपको रात को सोते टाइम इसको ले लेंगे इसमें फिर जब अगर पेट साफ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें तो फिर इसमें काली मत जो है ब्लैक पेपर इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें तो आप इसको बनाएं तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपका पेट सुबह में साफ़ हो जाएगा और आपकी ये स्किन पे भी ग्लो लाता है क्योंकि जब हमारा पेट साफ़ हो जाता है तो नेचुरली हमारी स्किन ग्लो करती है तो ये स्किन पे भी ग्लो लाता है और आपके हेयर्स में भी जो बाल हैं उनमें भी शाइन आती है इस कहवे से आप इस कहवे को सिक्स मंथ से अब जो बच्चा रहता है उससे लेकर आप किसी भी स्टेज के बंदे को उसको दे सकते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके इतने फायदे हैं कि आप जैसे ही लोगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इसके क्या क्या आपके असरात होते हैं आप पे और ये हिसाब से और वेट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करता है जैसे सौंफ है ना सौ इसमें अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे तो उसमें आपको सौंफ का इस्तेमाल करना है ज़्यादा इसमें ब्लैक पेपर का बहुत कम इस्तेमाल करता है सौंफ़ और इलायची का इसमें, इसमें इस्तेमाल करना है ज़्यादा तो फिर आप इसको, इसको इस्तेमाल करें तो देखो आपका वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करेगा जब भी आप बनाएंगे तो पानी डबल मकदार में रखें जब ये कैबा बनाएं तो पानी डबल मेदार में रखें ताकि ये जब तक इसको पकाना है कि तब तक जब तक इसका पानी हाफ हो जाएगा जब हमने पानी रखा होगा वो हाफ़ हो जाएगा तो फिर इसको ये बांध के तैयार हो जाएगा और शुगर और इसमें जो शुगर डालना है आपको वो आपके टेस्ट के अनुसार डालना है मैं आपको इन्ग्रीडियंट बताती हूँ ये क्या है ये है सौंफ हम ले रहे हैं इसमें सौंफ काले मिर्च ब्लैक पेपर काले मर्च आपको ज़्यादा नहीं डालने हैं आप देख लें अपने हिसाब से जितनी आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये है दालचीनी ये ग्रीन इलायची छोटी वाली इलायची इसको आपको क्रश करके डालना है और हम ले लेंगे पानी पानी हमें मैंने बता दिया आपको कि हमने डबल लेना है जितना हमें कहवा चाहिए उसे डबल और ये है नून चाय कहवे की भी चाय मिलती है वो कहवे की स्पेशली कहवा के लिए होती है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब इंग्रेडिएंट हमें चाहिए जब हम डालेंगे इसमें जो ब्लैक पेपर और जो इलायची है ये हमें क्रश करके डालना है थोड़ा कूट के इसको फिर हमें इसको डालना है गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें ये अम्यूनिटी जो आपकी हमारी अम्यूनिटी रहती है अम्यूनिटी को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है ये खासकर इस टाइम में ये बहुत फ़ायदेमंद है जिसको जुकाम खांसी नहीं भी होती है वो भी इसको बना के इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो बचा रहे इन सब चीज़ों से तो आप इसको इस्तेमाल करें इसको फा, इसका फ़ायदा लें प्लीज़ आप इसको डेली हर रात को यूज़ किया करें इसका कोई नुकसान नहीं है उल्टे इसके इतने फायदे हैं कि गिनते रहो तो कम है आप ये देखिए मैंने डाल लिया है इसमें सभी इंग्रेडिएंट डाल लिए हैं इलायची मैंने डालनी है चार से पाँच आदि इलायची मैंने कूट के इसमें डाली है कूटनी है काली मिर्च मैंने तीन से चारद मैंने इसको कूट के डाल लिया है और दालचीनी के दो टुकड़े करके मैंने छोटे छोटे करके डाल लिया है इसमें नून चाय भी डाल ली है और इसमें पानी देखो मैंने पानी कितना ले लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा कैवेज बनाना है तो मैंने उसी हिसाब से पानी ले लिया है आपको इलायची कूट के अच्छे से डालना है दालचीनी इसमें ये दालचीनी भी तोड़ के छोटे टुकड़े करके डालना है और काली मिर्च जो रहती है उसको भी कूट के इसमें डालना है ये सब इसमें डाल के आप इसको बना सकते हैं अब मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी जब इसका ये हाफ हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें शुगर डालूंगी अब हमारा कहवा बन के हो गया है त्यार अब मैं इसमें डालूंगी शुगर शुगर हमें डालनी है टेस्ट के अनुसार जितना आप ले ले सकते हो टेस्ट के अनुसार आप शुगर डालिए और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक डालने के बाद मैं इसको पका लूँगी जब तक कि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए शुगर थोड़ा पक जाए इसमें कैवे में मिक्स हो जाए और देखिए जो हमने इलायची सौंफ दालचीनी और जो चाय डाली थी उन सब का कलर अच्छे से इसमें आ गया इसका मतलब उसका जो भी असर था वो इसमें आ गया है अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कैवा कहवा बन के हो गया है तैयार तो इनशा लिए आपके लिए ये कहवा बहुत हेल्पफुल होगा तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा एक बार नहीं बल्कि इसको बना के आप हमेशा इसको ट्राई कीजिए सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़रूरत रहती है लेकिन हमें इस टाइम में जब यह वायरस फैला हुआ है तो हम चाहते हैं कि आपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं अपनी हमें हाँ ज़ुकाम खांसी बुखार इन सब चीज़ों से दूर रहें तो उसके लिए हमें ये कहवे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इस कहवे को एक बार ली एक बार नहीं आप इसको लेंगे तो फिर आप डेली रात को दूसरे तीसरे दिन आप इसको इस्तेमाल करते रहिए बिना किसी प्रॉब्लम के भी तो आपको ये फ़ायदा ही देगा नुकसान कुछ नहीं करने वाला देखिए अब इसका कलर भी कितना अच्छे से आ गया जो इन्ग्रीडियंट इसमें पड़े थे उसका रस सारा इसमें आ गया है तो आप हम इसको लेंगे कहवे को प्लीज़ लाइक like करना ना भूलें और सब्सक्राइब और शेयर भी करें आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके